बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा, फ्लेवरफुल सा, डिलिशियस सा और बहुत ज़्यादा क्विक वे में, आसान तरीके से, कम इंग्रेडिएंट्स में झटपट से बन जाने वाला सर्दियों की सौगात टर्किश सूप बनाने की रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा आसान सी रेसिपी है, तो आइए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने जो है वो इसका सूप तैयार करना है, यानी कि यखनी तैयार करनी है। तो यखनी तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे जो है वो चिकन के अंदर तकरीबन भी जो है वो 1 लीटर के करीब पानी ऐड कर दिया है, तकरीबन भी 1/2 kg से थोड़ी सी कम मैंने यहाँ पे जो है वो चिकन ली है। चिकन मैंने यहाँ पे जो है वो बोनलेस भी ली है और जो है वो लेग पीस भी लिया है, क्योंकि लेग का यानी कि बोन का जो गोश होता है, यानी कि बोन होती है, उसका जो फ्लेवर आता है यखनी के अंदर, सूप के अंदर ले लें या यखनी के अंदर ले लें, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा बन के आता है बोन का। तो देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पे जो है वो 1 लेग पीस लिया है, 3 से 4 मैंने यहाँ पे जो है वो बोनलेस पीस ले लिए हैं चिकन के। तो तमाम चीज़ों को हमने ऐड करने के बाद इसके अंदर हमने तकरीबन भी 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज को ऐड कर दिया है, तकरीबन भी जो है वो मैंने यहाँ पे 1 गाजर को इस तरह से स्लाइस में कट करके ऐड कर दिया है। प्याज और गाजर 1-1 जो है वो हमने मीडियम साइज़ की ही ऐड की है। तकरीबन भी 2 अदद जो है वो तेज़पात पत्ते ऐड कर दिए हैं, 1 टीस्पून बराबर इसके अंदर हमने साबित काली मिर्चें ऐड कर दी हैं, 1 टीस्पून इसके अंदर हमने जो है वो पिंक सॉल्ट ऐड किया था। ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक्कन बंद करके बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे अच्छा सा गल जाने तक, एक अच्छा सा उबाल आ जाने तक, चिकन के अच्छे से जो है वो गल जाने तक इसे अच्छा सा कुक करेंगे। देख सकते हैं आप, 1 लीटर पानी तकरीबन भी 2 गिलास के करीब जो है वो जल चुका है, इसके साथ ही जो है वो हमारी चिकन अच्छे से गल चुकी है। तो अब हम जो है वो चिकन को निकाल के साइड पे रखेंगे और इसका जो है वो रेशा बना के रेडी कर लेंगे और हम जो है वो ये बचा हुआ सारा जो है वो मसाला इससे हम जो है वो डिस्कार्ड कर देंगे, फेंक देंगे और यखनी को छान के हम साइड पे कर लेंगे। यानी कि जो हमने यखनी बना के रेडी की है, पानी को इससे हम छान के जो है वो साइड पे कर लेंगे और तमाम मसाले को हम जो है वो फेंक देंगे, यानी कि गाजर और जो है वो प्याज को हम जो है वो फेंक देंगे और पानी इसका साइड पे रख लेंगे। और अब हम अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। एक पैन के अंदर हमने 2 टेबल स्पून के करीब इसमें हमने ऑलिव ऑयल लिया, ऑलिव ऑयल के अंदर हमने यहाँ पे 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज को अंडा कट चॉप करके ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद लाइट सा सॉटे करेंगे, लाइट सा जब प्याज अच्छी सी सॉटे हो जाएगी तब हम इसे स्टेज के ऊपर इसमें 1 टीस्पून करीब इसमें हमने जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। लहसुन अदरक के पेस्ट का कच्चा दूर करेंगे, लाइट से अच्छा सा सॉटे करेंगे, अच्छा सा मिक्स करेंगे प्याज के अंदर। इसके बाद इसके अंदर हम जो है वो गाजर कट की हुई ऐड कर देंगे, स्लाइस में कट की हुई ऐड करिए। इसके साथ ही इसके अंदर हम जो है वो 2 से 3 चम्मच इसके अंदर हमने जो है वो हरी प्याज को कट करके ऐड कर दिया। इसके साथ ही इसके अंदर हमने जो है वो तकरीबन भी 2-3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे जो है वो शिमला मिर्च कट की हुई ऐड की है। तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे, वेल कम्बाइन करेंगे। यकीन करें इतने मज़ेदार सी जो खुशबू आ रही थी मैं आपको बता नहीं सकती। ऑलिव ऑयल के अंदर ये तमाम चीज़ें अच्छी सी मिक्स होकर अच्छा सा फ्राई होती हैं, तो एक अच्छी सी बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी फ्रेगनेस, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी खुशबू और बहुत ज़्यादा अच्छी सी जो है वो खुशबू आती है। दिल करता है यही जो है वो सब्ज़ियाँ आसानी के साथ आप चम्मच से जो है वो खा लें, तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी ये रेसिपी होने वाली है। तो अब हम इसे स्टेज के ऊपर इसमें 1 टीस्पून के करीब इसमें हम जो है वो मिक्स हर्ब ऐड कर देंगे। आपके पास ओरिगानो हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून सुमक पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून यहाँ पे हम जो है वो काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पे जो है वो हम चिकन पाउडर ऐड कर देंगे। इसके साथ ही तमाम मसाले हम मिक्स करने के बाद सब्जियों में तमाम मसाले अच्छे से मिक्स करेंगे। याद रखिएगा सुमक पाउडर की जगह आप जो है वो यहाँ पर पेपरिका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है वो सुमक पाउडर ऐड किया था। तकरीबन भी 2 टेबल स्पून यहाँ पे हम जो है वो कॉर्नफ्लावर ऐड कर देंगे, आप चाहें तो मैदा भी ऐड कर सकते हैं। तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स करेंगे, वेलकम बाइन करेंगे, तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, वेलकम बाइन हो जाएंगी। सब्जियों के अंदर एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, सब्जियाँ बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी लगेगी, देख सकते हैं आप। तो अब हम इसे स्टेज के ऊपर इसमें जो है वो यखनी ऐड कर देंगे जो कि हमने बना के रेडी की थी, और श्रेड की हुई हमने यहाँ पे जो है वो चिकन भी ऐड कर देनी है। तमाम चीज़ें साथ में ही ऐड कर देंगे, इसके साथ ही इसके अंदर हम जो है वो एक अच्छा सा उबाल आ जाएगा, तो इसके साथ ही इसके अंदर हम जो है वो चॉप किया हुआ जो है वो यहाँ पर पार्सले ऐड कर देंगे, आप चाहें तो धनिया भी ऐड कर
सकते हैं। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके साथ ही इसके अंदर हम जो है वो यहाँ पर जो है वो एग नूडल्स ऐड कर देंगे। अगर आपके पास जो है वो सिंपल नूडल्स हों जो बच्चों को हम बना के देते हैं तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मेरे यहाँ पर जो है वो एग नूडल्स थी तो मैंने वहाँ पर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छा सा कुक करेंगे। इस तरह से हमारी जो है वो एग नूडल्स अच्छे से जो है वो कुक हो जाएंगी, अच्छे से जो है वो नरम हो जाएंगी। तो देख सकते हैं आप कुक होते हुए नरम होते हुए से तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसे स्टेज के ऊपर इसमें 1 टीस्पून करीब इसमें हम नमक शामिल करेंगे। पिंक सॉल्ट हमने जो है वो शुरू में ऐड किया था तो इसलिए हम इसे स्टेज पर इसमें जो है वो नमक कम ऐड करें। अगर आप जो है वो ऐड ज़्यादा करना चाहें, जितना आपको पसंद हो आप उस हिसाब से रख सकते हैं। देख सकते हैं आप एग नूडल्स ऐड करने के बाद हमने इसे अच्छा सा मिक्स कर लिया है। वो चीज़ें आपके पास आसानी से अवेलेबल हो आप इसमें वो ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको तमाम का जो है वो मेथड बता दिया है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसे हम ढक्कन बंद करके बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक करेंगे। इस तरह से नूडल्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जो है वो हमारी कुक हो जाएंगी, नरम पड़ जाएंगी और तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, वेल कम्बाइन हो जाएंगे। एक अच्छा सा फ्लेवर तमाम चीज़ों का जो है वो बन के आ जाएगा सूप के अंदर। तो देख सकते हैं आप सूप हमारा जो है वो कितना मज़ेदार से बन के रेडी हो चुका है और एग नूडल्स हमारी कितने अच्छे से जो है वो कुक हो चुकी हैं, बिल्कुल नरम पड़ चुकी हैं। तो देख सकते हैं आप सूप हमारा जितना हमें कंसिस्टेंसी में चाहिए था सेम उसी कंसिस्टेंसी में आ चुका है। अगर आप जो है वो ज़्यादा गाढ़ा रखना चाहते हैं तो इस स्टेज पर आके आप जो है वो इस तरह से चम्मच के अंदर जो है वो इस तरह का सूप ले लीजिएगा। इसके बाद इसके अंदर आप जो है वो कॉर्नफ्लोर या मैदा ऐड कर दीजिएगा। अगर आप मैदा ऐड करना चाह रहे हैं तो मैदे को अच्छा सा फ्राई करके अच्छा सा भून के इसका कच्चापन दूर करके इसके बाद इसके अंदर आप जो है वो ऐड कर दीजिएगा। ऐड करने के बाद जो है वो इसके अंदर तमाम को इस तरह से मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद अच्छे से जो है वो इसे हिलाते रहिएगा। इस तरह से जो है वो आपके अंदर यानी कि सूप के अंदर जो है वो लम्स नहीं बनेंगे। तो देख सकते हैं आप हमारा मज़ेदार सा जो है वो सूप बन के रेडी हो चुका है। टर्किश सूप में यही तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है वो ऐड किए जाते हैं। थोड़े बहुत जो है वो मसाले आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देख सकते हैं आप एग नूडल्स हमारी कितने अच्छे से जो है वो कुकड हो चुकी हैं। सेम यही प्रोसेस पे आके हमने जो है वो फ्लेम को ऑफ कर देनी है। मज़ेदार सा हमारा जो है वो टर्किश सूप बन के रेडी हो चुका है। बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा फ्लेवरफुल सा खुशबूदार सा, यकीन करें बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा डिलीशियस सा है सूप बन के रेडी हुआ था। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। तो देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सा अमेजिंग सा आप इसे जो है वो फोक की मदद से भी खा सकते हैं तमाम चीज़ों को और सूप को जो है वो आप इस तरह से इंजॉय कर सकते हैं। यकीन करें सर्दियों के लिए बेस्ट ये रेसिपी है। तो आप इस रेसिपी को सर्दियों में ज़रूर से इंजॉय करिएगा। अभी अब सर्दियां हैं तो आप इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।